डंडा लेके आ गए, इसको झाड़ते झाड़ते जाऊंगी अब। नानी आंटी को सपना आ जाता है, नहीं क्या हो जाता आंटी, ठीक है। आंटी के घर जाके पानी मांगते, आंटी लोटे में दे दी। आंटी से बोलते आंटी गिलास नहीं है, आंटी बोलती तुम कौन सा मुझे गिलास में दे दो। गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू के व्लॉग्स। तो कैसे आप सब, मैं भी एकदम मस्त जबरदस्त हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया और मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। और गाइज आज ना मैंने भिंडी की सब्जी खाई। तो भिंडी की सब्जी की मेरी एक स्टोरी है, मैं पहले भिंडी की सब्जी नहीं खाती थी। तो जब मैं हल्द्वानी गई थी ना, तो पहले तो चलो वो लोग थोड़ा थोड़ा मेरे मन का कर देते थे कि चलो ठीक है नहीं खाते हैं तो नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर बाद में कोई सब्जी नहीं बचती थी तो फिर वो बोलते थे तू खा ना, काम तो यही लाएंगे। फिर वो वही लाते थे तो मुझे खानी पड़ी। फिर मुझे अच्छी भी लग गई, जब तक खाती नहीं थी तब तक कैसे पता चलेगा सोचो कि अच्छी है या नहीं है, है ना गाइस। तो फिर मैं खाने लग गई। तो अब मुझे अच्छी लगती है भिंडी की सब्जी, ऑल थैंक्स टू हर्षिता, उमादी और गुंजन, सब लोग, उन लोगों ने मुझे सब्जी खिलाना सिखाया गाइस। मैं पहले आलू के अलावा और कोई सब्जी नहीं खाती थी। नो खुद को ही देख के हंसी आ रही है, ऐसी अजीब थी मैं। तो गाइस मैंने बोला था कि कल हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब सफाई कर रहे थे, लेकिन अरे यार सब भूल जाती हूँ मैं, लेकिन वो नहीं हो पाई थी सफाई। तो मम्मी ने बोला अभी तो करके जाओ। तो सुबह स्कूल जाने से पहले मैंने यहाँ रूम को साफ़ किया, मतलब ऊपर की जो ऊपर का चीज़ था वो सजा दिया। अब नीचे झाड़ू वगैरह मम्मी लगाएंगी और सोफे के कवर मम्मी बिछाएगी। सो अब हम निकलते हैं। सो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस हुई है तो मैं डंडा लेके आ गई, इसको झाड़ते झाड़ते जाऊँगी अब। और कल से थोड़ा और जल्दी निकलूँगी क्योंकि जब ऐसे झाड़ते झाड़ते जाती हूँ तो देर हो जाती है। और अगर इसको नहीं झाड़ूंगी ना तो कपड़े रोड में जाने तक प्रेस वगैरह सब गीली होके अपनी अच्छी हो जाती है वो। तो चलो गाइस मैं निकलती हूँ। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और स्कूल में कुछ था नहीं वैसे बनाने को, तो मैंने कुछ बनाया नहीं। और आज मम्मी ने बनाया हुआ है ये, क्या मम्मी ये प्याज का प्लेओ, जोली बात। सो हम ये खा रहे हैं, मम्मी भी अभी मेरे साथ खा रही है। तो गाइस फटाफट खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। सो गाइस अभी मैं काटने जा रही हूँ ये चकोतरा जो सर ने भेजा था। तो होप सो कि ये कड़वा ना हो क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया इसको काटे हुए, मतलब तोड़े हुए इसलिए, और हम लोग खाना भूल जा रहे थे। सो इसको फटाफट से काटते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। सो गाइस दिस इज सो पिंकी फ्रॉम इनसाइड, पिंक। क्या आपने इसको खाया है कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं इसको फटाफट से छिलती हूँ। ये हमने छान दिया है, छान रहे मतलब। और आंटी भी ठीक पता नहीं कहाँ से पहुँच जाती होगी खाते खाते, ये आंटी को खुशबू आ जाती है वो वहाँ तक। आऊँगी नहीं फिर, दूर तक है, मैंने कितना छुपाया है ये आंटी से पता। पता नहीं आंटी को सपना आ जाता है, नहीं क्या हो जाता है आंटी। हम तभी तो अंदर छान रहे थे, आपको नहीं दिखेगा करके, आंगन में भी नहीं छान रहे थे, तब पास में भी तब फिर भी आ गए। खाल में तो जा जा तुम मेरे सुंदर जी को मार जो, तब तो मैं आई हूं 2 बजे तभी तो चाय बनाओ आंटी आ गए, मैंने उतार बोल कुछ खाओ आंटी बुलाएंगे मेरे को, उससे अच्छा मैं पहले चली जाती हूं। तेरे लिए अमरूद लाई हूँ, अमरूद लाए आंटी। तो गाय हमने खा लिया है, अब मैं खा रही हूँ अमरूद, ये भी अच्छा हो रहा है। और आंटी तो खाने में ही अभी वो खाना हो गया है। आंटी का 2 खाने हो गया, अब आंटी खा नहीं पा रही है। गाइस अब हम भी कुर्सी लेके बाहर बैठते हैं थोड़ी देर, ठंडी हवा खाते हैं, अंदर तो अजीब सा हो रहा है।
दिन में थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उसकी वजह से हल्की सी उमस जैसी हो रही है अंदर, इसलिए हम बाहर बैठे गाइस। गाइस फाइनली 10 बार बुलाने के बाद प्रियांशु आ चुके हैं घास दलने, तो अब हम लगाते हैं घास और प्रियांशु दलेगा। गाइस प्रियांशु ने दल दिए, 5 मिनट लगा इसने दलने में, जल्दी जल्दी दल दिया फटाक फटाक से। और मैंने गाय को धुआं भी लगा दिया है ताकि उसको मच्छर ना काटे मच्छर। और जोजो बैठा गया यहाँ पे, जोजो ब्रो तू भी, तेरी जिंदगी भी ऐसी है खलास। सो गाइस हम बैठे हैं अभी, और आजकल तो थोड़ी आंगन में घास नहीं है तो आंगन भी अच्छा लग रहा है आँखों में देखने में। अभी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है घास यहाँ पे, तो यहाँ पर दवाई नहीं पड़ी थी शायद अच्छे से, तो अब इसमें भी दवाई डालेंगे तो फिर इसमें घास नहीं आएगी। जो दवाई डाल देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, घास वाली, तो उसके बाद घास नहीं आती है थोड़े टाइम तक, एटलीस्ट 1 महीना तो नहीं आएगी अप्रॉक्स। मम्मी और आंटी आ गए हैं और दोनों के दोनों अंडे की क्रेट लेके आए हैं। आज आज होगी अंडा पार्टी गाइस, हम करेंगे अंडा पार्टी। कल खोया पार्टी थी, आज अंडा पार्टी है। आंटी आज अंडा करी बनाए आपके घर में, ये पार्टी ना पार्टी, तो मैं आज अंडा पार्टी करें आपके घर में। हाँ, चल। पकाना तो आपने पड़ेगा पार्टी आप क्यों, अब हम आपके घर में आएंगे तो आप हमसे काम कराओगे, तो मैं तो खर्च हो तुम्हारा घर है बड़े यार जो नहीं मैं खाऊं सब मेहमान तो क्या हुआ बड़ी आई है तू आएगी तो मेरे घर में काम करेगी खाएगी। अरे पानी ला दो, पानी लेके आते ये दे दो मेरे को। आंटी को गिलास में पानी पच नहीं रहा है बाहर आ गया मेरा पानी गिलास में पिया कप में लेके आई, और मम्मी और आंटी के लिए एक एक गिलास लेके। आंटी बोलिए 2 गिलास क्यों लाई, एक जना कप में ही पी देता। फिर अभी थोड़ी देर पहले की जैसे बोलेगी तुम कौन सा मुझे गिलास में देते हो ये लोटा भी यहीं पर है घर जाके आंटी के घर जाके पानी मांगते आंटी लोटे में देती। मैं आंटी से बोली आंटी गिलास नहीं है, आंटी बोलती तुम कौन सा मुझे गिलास में देते हो तुम दिलाओ तभी तो गिलास में दे रही हूँ आपको, खाली घर जाके बोतल ही पकड़ा दोगे। अरे मैं तेरे गिलास गंदे हो जाएगा, मैं क्यों तबियत दी हुआ मैं निपटा दी ना गाइस। अभी मैं बना रही हूँ चाय, और चाय तो चाय है गाइस, चाय तो बननी बननी है, जहाँ पर दो लोग बैठ गए वहाँ पे चाय तो बननी है। तो गाइस यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय, गर्म चाय, कितनी मस्त लग रही है ना मेरी चाय। तो गाइस मैं काफ़ी टाइम बाद छत पे आई हूँ, और क्योंकि ना बारिश हो रही थी और कल तो हम वहाँ थे, परसों भी ऐसा ही हुआ था, छत पे नहीं आई, आई हूँ तो बस कपड़े डालने ऐसे, शाम को टहलने नहीं आई हूँ, तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा में टहलने में। उफ थोड़ा सा सही लग रहा है, किसने बुलाया नेहा जोर से, ऐसा लगा जैसे कि मुझे किसी ने बुलाया। गाइस गाइस देखो चारों तरफ हरियाली है, ऐसे देखने में ऐसा नहीं लगता जैसे कि कितना बड़ा ग्राउंड होगा, इसके ऊपर चलो आराम से है ना, बट अगर हम इसके ऊपर चले तो हम कीचड़ में गीले हो जाएंगे गाइस, कीचड़ में गधोड़ी जाएंगे, उसमें गिर जाएंगे। तो गाइस छत भी साफ करनी है, यू नो छत बड़ी गंदी हो रखी है, इसलिए छत तो बाद में करेंगे, पहले अंदर की सफाई नहीं हुई है। अभी कपड़े डाजूँगी, खाना बना दूँगी, मम्मी कपड़े टाँसती है या मैं टाँसती हूँ, जो भी कपड़े डाजेगा दूसरा इंसान खाना बनाएगा, तो लेट्स सी कौन क्या करता है। गाइस यहाँ पे मैं गूंदने लग गई हूँ आटा, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी खाली बैठी हूँ तो आटा ही गूंद देती हूँ, बाकी जो भी होगा। खैर मुझे आज ना अपने रूम की सफाई करनी है, देखो गाइस कितना मैसी रूम है मेरा, छे 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 जो आता है यही सामान डाल के चले जाता है। एक्चुअली पहले ना मेरा रूम ये जो रूम है मैंने अपने लिए पिछले साल मतलब ये मेरे रूम घोषित हुए हुए इसको 2 साल हो रहे हैं, तो उससे पहले ये था स्टोर रूम, यहाँ पे ड्रम वगैरह रखते थे, तो जब इसके बगल वाला जहाँ हम घास काटते हैं वहाँ पे रूम बना, और उसके अंदर भी रूम बना,
तो जब हमने यहाँ से सामान अपना स्टोर रूम वहाँ शिफ्ट किया तो उसके बाद ये रूम खाली हो गया, तो मैंने बोला प्लीज़ गिव मी वन पर्सनल रूम, बट पर्सनल होते होते भी ये पर्सनल नहीं है उतना, खैर सब लोग घुस ही जाते हैं, लेकिन नाम का मेरा है अभी भी, कभी कभी ये लोग बोल देते हैं गोदाम वाला कमरा है, तो दिल में दर्द होता है। तो गाइस अभी मैं आटा गूंथती हूँ बिकॉज मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं, तो फटाफट इसको गूंथते हैं फिर देखते हैं क्या काम करना है। सो गाइस यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है, मम्मी ने रोटी बना दी है, मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी जब तक, सिर्फ अपने, और अभी रोटी बना लिए तो अंडा भी बना लिया नीरज ने अपने लिए, मम्मी के लिए भी बना दिया उसने, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपने लिए बनाऊँगी अलग से टू अंडे का भुर्जी बनाऊँगी। भुर्जी मेरे को पहले भुर्जी बनानी आती थी, ये भी मैंने हल्द्वानी जाके सीखी, हर्षिता लोग मस्त बनाते थे, तो उसमें टमाटर भी डालते थे, लेकिन यहाँ पर टमाटर है ही नहीं, टमाटर के साथ अच्छा होता। अब वैसे ही बनाते गए देखते हैं। तो गाइस मेरा खाना आ चुका है और मम्मी मेरे व्लॉग देख रही है। तो गाइस मैंने भुर्जी तो बनाने की ट्राई कर रही थी लेकिन बनी नहीं, क्योंकि मुझे बनानी थी कढ़ाई में, और कढ़ाई में बनाती तो कढ़ाई गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने तवे में बनाई, कढ़ाई में बनाते तो उसमें एक बर्तन एक्स्ट्रा ज़्यादा धोने के लिए, इसलिए मम्मी खाते हैं, दो रोटी आई हूँ मैं अपने लिए, खाते हैं फटाफट। तो गाइस यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है और प्रियांशु भी आ गया है। So guys, तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अभी दिन में मम्मी मुझसे कह रही थी कि मैंने सोचा था इस बार तेरे को कोई गिफ्ट दूंगी राखी में, हाँ मम्मी ने ऐसा बोला, मैंने बोला बस लोग सोचे जा रहे मेरे घर वाले कि देंगे देंगे, लास्ट में उनका पोपट जा रहे हैं। प्रियांशु क्या कह रहे थे, तेरे को गिफ्ट मिलने वाला है इस बार, कुछ स्पेशल होने वाला है, अभी क्या बोला है पैसे ही नहीं है, देंगे फिर नहीं हो पाएगा, मम्मी भी ऐसे बोले। गाइस ये लोग बस सोचते हैं, करने वाला कोई नहीं है। लाइक दिस मैन, मैं क्या सोचूं इसके लिए, देखो तो गाइस, और मम्मी बोले इसके लिए कोई गिफ्ट सोच दे, जब मैं खुद बता रही हूँ कि मेरे को ब्लूटूथ एयरफोन दे दो, एयरबड्स दे दो, जब इतने कोई सरप्राइज नहीं लगाए तो बता के थोड़ा ना लाते के लिए, ऐसा ही होता है गाइस। मम्मी मैंने मुझसे बोला कोई बात नहीं है, मुझे कैश दे देना मैं अपने आप ले लूँगी। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर, थोड़ी सी मम्मी और मैं हवा खाने आए हैं बाहर, तो यहीं बैठे बैठे आज वैसे चंदा मामा भी आए हैं बड़ी दूर से, फोकस नहीं आ रहा क्या, हाँ तो चंदा मामा भी आए हैं बड़ी दूर से आज, बड़े प्यारे से लग रहे हैं। सो गाइस आप क्या कर रहे हो, तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ बाहर बैठे बैठे एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।